नमस्कार, मैं अर्चना, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 16 विकसिया के अंतर्गत स्त्रीधानी का अध्ययन करेंगे। स्त्रीधानी पूधानियों के समान स्त्रीधानियाँ भी थैलस के अपाक सतह पर स्त्रीधानी प्रकोष्ठ में विकसित होती हैं। इनका विकास भी अग्राभिसारी क्रम में होता है, यानी कि नई बनने वाली स्त्रीधानी ऊपर की तरफ और पुरानी नीचे की तरफ स्थित होती हैं। अब है स्त्रीधानी का परिपक्वन। स्त्रीधानी का परिपक्वन के लिए हम यहाँ पर इसमें चित्र में देखते हैं, ये परिवर्धन है। स्त्रीधानी का परिपक्वन नहीं, परिवर्धन। स्त्रीधानी का परिवर्धन थैलस की सतही कोशिका से होता है, इसे स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका है। यह कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बना रही हैं, एक बाह्य कोशिका और अंतः आधारी कोशिका। आधारी कोशिका यह अंतः स्थापित भाग बनाती है, यानी कि जनन में भाग नहीं लेती। बाह्य कोशिका स्त्रीधानी मातृ कोशिका के रूप में कार्य करती है। ये वाली स्त्रीधानी मातृ कोशिका जो है, ऊपर वाली बाह्य कोशिका जो है, यह तीन उदर्ग तिर्यक विभाजन से एक केंद्रीय प्राथमिक अक्षीय कोशिका और तीन परिधीय कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि हम चित्र के द्वारा इसे समझें तो इस तरह से समझ लें, हम चित्र के द्वारा एक दो और तीन, ये तीन, एक दो और तीन कोशिकाएं, ये परिधीय कोशिका और बीच में ये सेंटर कोशिका, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब प्रत्येक परिधीय कोशिका अर्य अनुधीर्य विभाजन के द्वारा छह जैकेट कोशिकाएं बनाती है। ये वाली कोशिकाएं विभाजन करती हैं और छह जैकेट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसके बाद इसमें ये कोशिकाएं फिर अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो सोपान में छः छः कोशिकाएं बनाती हैं। ऊपरी सोपान की कोशिकाएं ग्रीवा प्रारंभिक कोशिका की जैकेट बनाती हैं, निचले सोपान की कोशिकाएं अणता प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि उसकी जैकेट का निर्माण करती हैं। अब ग्रीवा प्रारंभिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से ग्रीवा का निर्माण होता है। ये जैसा कि हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर ये तो तीन चित्र हो गए। नीचे वाली क्या है, प्रारंभिक वृंत कोशिका, ये वृंत का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर आप इसमें देखें, ये ग्रीवा प्रारंभिक कोशिका, प्रारंभिक ग्रीवा नाल कोशिका और प्रारंभिक अंडा नाल कोशिकाएँ, इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया। अब ग्रीवा प्रारंभिक कोशिका, ये ग्रीवा वाला जो भाग है इसकी जैकेट का निर्माण करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। और ग्रीवा प्रारंभिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से ग्रीवा का निर्माण होता है। ये उदर्ग पंक्तियों में 6 से 9 कोशिका की ऊंचाई की बन जाती हैं, ये यहाँ पर इस तरह से। अंडता प्रारंभिक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा क्या बनाती हैं, ये एक स्तरीय अंडता भित्ति का निर्माण करती हैं। अंडता प्रारंभिक कोशिका जो है वह नीचे की तरफ एक जैकेट की का निर्माण करती हैं। अक्षीय कोशिका, अभी हमने देखा था इसमें अक्षीय कोशिका जो है वह इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ऊपरी प्राथमिक आवरण कोशिका और निचली केंद्रीय कोशिका बनाती है। केंद्रीय कोशिका जो है इसमें समकोण विभाजन होता है और इसके अंदर यहाँ पर ये जैकेट, इस प्रकार से पूरी जैकेट बन जाती है। एक जैकेट इसमें, एक जैकेट जो है नीचे की तरफ ये अंडा नाल कोशिका और अंडा का जैकेट का निर्माण करती है, ये वाली तो, और कुछ कोशिकाएं ग्रीवा नाल कोशिकाओं के जैकेट का निर्माण करती हैं। इस तरह से इसके अंदर बन जाती हैं। बाद में ग्रीवा नाल कोशिका इसके अंदर ऊपर जैकेट, ये जैकेट बन गई, पूरे के पूरा जैकेट बन गया। ऊपर की तरफ यहाँ पर
इसके अंदर गिरवा नाल कोशिका, गिरवा कोशिका, अंडा नाल कोशिका, अंडा का निर्माण हो जाता है और इसके चारों तरफ इकैरी जैकेट की बनी हुई जैकेट कोशिकाएं पर इकैरी परत की बनी हुई जैकेट कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्त्रीधानी का निर्माण हो जाता है। ये वाला इसके बाद स्त्रीधानी, परिपक्व स्त्रीधानी की हम यदि हम संरचना देखें तो परिपक्व स्त्रीधानी के अंतर्गत जैसा कि हम एक परिपक्व स्त्रीधानी कैसी है, फ्लास्कनुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये फ्लास्कनुमा संरचना स्त्रीधानी की, और जो स्त्रीधानी प्रकोष्ठ के आधार पर छोटे व्रंथ से लगी हुई हैं। स्त्रीधानी गोलाकार अंतर आधार तथा संकीर्ण लंबी गिरवा ऊपरी भाग में विभेदित है। गिरवा जैकेट में 6 उदर पंक्तियाँ लगी हुई हैं, 6 से 9 कोशिकाएँ होती है जो, और गिरवा के शीर्ष पर आच्छद कोशिकाएँ पाई जाती हैं। गिरवा नाल 4 से 6 गिरवा नाल कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये कोशिकाएँ एक पंक्ति में लगी रहती हैं। अंडा के चारों ओर एक स्तरीय कोशिकीय जैकेट होता है। अंडा गुहा में एक बड़ा गोलाकार अंड होता है, ऊपरी पर अंडा नाल कोशिका स्थित होती है। अब आता निषेचन। निषेचन में इसके अंदर हम देखें तो जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। निषेचन से पूर्व परिपक्व स्त्रीधानी की गिरवा नाल कोशिकाएं तथा अंडा नाल कोशिकाएं अपघटित होकर के एक श्लेष्मा का निर्माण करती हैं, श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण करती हैं और ये अवशोषित कर करके फूल जाती हैं। इसके दबाव के कारण गिरवा के शीर्ष पर स्थित आवरण कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं, अतः श्लेष्मी पदार्थ बाहर आ जाता है जो कि पूमणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस श्लेष्मी में प्रोटीन, मैलिक अम्ल, पोटेशियम लवण स्थित होते हैं। पूमणु रासायनिक अनुचलनी क्रिया के द्वारा स्त्री नाल में प्रवेश कर जाता है। अंततः पूमणु अंड से संलयित हो जाता है और एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात जो ये द्विगुणित संरचना होती है इसके चारों तरफ एक सेलुलज की भित्ति बन जाती है और इसे निषिक्तांड कहा जाता है। ये निषिक्तांड में परिवर्तित हो जाता है। अब आता है बीजाणुद्भिद परावस्था। युग्मनज बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। इसमें विश्रामावस्था का अभाव होता है। विभिन्न विभाजनों के द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। स्त्रीधानी अंडा की जैकेट कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और ये कई परिणत और अपनत विभाजन द्वारा विभाजित होकर के एक द्विस्तरीय संरक्षण आवरण गोपक या कैलिपेट्रा का निर्माण करती हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये कोशिकाएं जो हैं सक्रिय होकर के कैलिपेट्रा का निर्माण करती हैं। अब इसके अंदर जो द्विगुणित संरचना है ये अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये समान आकार की कोशिकाएं होती हैं। ऊपरी कोशिकाएं अध्याधर और निचली वाली अधराधर कहलाती हैं। दूसरा विभाजन उदर्ग विभाजन होता है और जिससे चार कोशिकाएं चतुष्क बन जाता है। इसके बाद फिर संपूर्ण विभाजन होता है जिससे अष्टांग बन जाता है, अष्टांग भ्रूण का निर्माण होता है। अष्टांग में अनियमित विभाजन होते हैं जिससे 20 से 40 कोशिका युक्त संरचना का कोशिकाएं बन जाती हैं। इस समूह की सतही कोशिकाओं में केवल भार वाली जो कोशिकाएं हैं उसमें परिणत विभाजन होता है। परिणत का मतलब इस तरह से ये कोशिकाएं इसमें इस तरह से परिणत विभाजन जो है वह जैकेट में मोटाई की वृद्धि करता है तथा इसमें दो स्तर बनते हैं। परिणत विभाजन से बाह्य स्तर बहिस्थीसियम और तथा केंद्रीय समूह अंतस्थीसियम का निर्माण करता है। बहिस्थीसियम में केवल अपनत विभाजन होता है जिससे एक स्तरीय जैकेट बनती है, जबकि अंतस्थीसियम की कोशिकाएं, ये अंतस्थीसियम देखिए यहाँ पर कैलिपेट्रा की कोशिकाएं हैं, ये कैलिपेट्रा है, ये बहिस्थीसियम जो जैकेट बनाता है और ये अंदर वाली एंडोथीसियम है।
एम्फीथीसियम एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम जो हैं इन्हें ही आर्चिपोरियम कहते हैं या प्रसूतक कहा जाता है। ये कोशिकाएं उत्तरोत्तर विभाजन होकर के बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये इनमें से कुछ अलग अलग हो जाती हैं, इनकी पृथक हो जाती हैं, गोलाकार संरचना बनाती हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं वह उनकी वृद्धि रुक जाती है और वह अपघटित हो जाती हैं, और जो बीजाणु मात्र कोशिका जनन के लिए तैयार हो रही हैं उसके लिए पोषण का कार्य करती हैं। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि आपको पता है बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, द्विगुणित है, तो बीजाणु मात्र कोशिका में अब अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि चार कोशिकाएं या तो चतुष्क का निर्माण होता है जो कि बीजाणु भित्ति से घिरे रहते हैं। साथ ही ये जैकेट और गोपक की भीतरी परत की कोशिकाओं से भी घिरे हुए हैं। धीरे धीरे ये परतें नष्ट होने लगती हैं, परिपक्व अवस्था में केवल बाह्य गोपक परत बची रहती है। अब है एक परिपक्व बीजाणुभेद की संरचना। रिक्सिया के बीजाणुभेद एक सरल संरचना है, इसमें केवल कैप्सूल ही स्थित होता है, इसमें फुट और सीटा का अभाव होता है। इसमें एक स्तरीय जैकेट देख रहे हैं, एक स्तरीय जैकेट तथा द्विस्तरीय गोपक द्वारा, एक स्तरीय जैकेट और द्विस्तरीय गोपक के द्वारा घिरा रहता है। इसके अंदर बीजाणु चतुष्क व बीजाणु परिबद्ध रहते हैं। ये बीजाणुद्भिद पोषण के लिए पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद थैलस पर ही निर्भर रहता है। किस पर निर्भर करता है? युग्मकोद्भिद थैलस पर ही निर्भर रहता है। अब बाद में ये कैलिपट्रा ये नष्ट हो जाते हैं, ये चतुष्क जो हैं ये भार वायु के द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है और ये बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम अवस्था होती है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये वाले बीजाणु प्रथम अवस्था है। और इसमें बीजाणु भित्ति को स्पोरोडर्म कहते हैं जो तीन परतों से मिलकर के बनी है, बाह्य चोल, मध्य चोल, अंतः चोल। अनुकूल परिस्थितियों आने पर ये बीजाणु अंकुरित होते हैं, उनमें से प्रागनली निकल, उनमें से इस प्रकार अंकुरित होकर के ये संरचना निकलती है और धीरे धीरे ये एक नए पौधे का निर्माण करते हैं जो कि युग्मकोद्भिद होता है, जो कि एक रिक्सिया का नया पादप बनता है। धन्यवाद। आगे हम टेरिडियम का अध्ययन करेंगे।